ऊंची बा। आजो, ये स्कूल के बच्चों ने मेरे लिए बनाया है अपने हाथों से। बापूजी देखे ने एक एक ये रिबन भी बनाया है, ये एक एक कार्ड। तू तो है ऐसी, सबका दिल जीत ले। पता है मैं स्कूल के बाद कारखाने गई थी, वो डांस एकेडमी शुरू करनी है ने, तो उसकी तैयारियां। समर नंदिनी तो अभी तक वहीं पर है, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पर आपके चाय नाश्ते का टाइम हो गया ना, तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। अब चाय पिलाती हो या मैं पिलाऊं? बापूजी बैठिए, मैं बना के लेके आती हूँ ने, 2 मिनट। बापूजी वो मंसूर जी की बाइक मैंने वापस कर दी, पेट्रोल भी भरवा दिया था। अच्छा क्या है बेटा? तो चिंता मत कर बेटा, कोशिश चालू रख। बाजी वही हारता है जो हिम्मत हार जाए, बस तू हिम्मत मत हार। तेरे बापूजी एकदम सही कह रहे, तू दिल छोटा मत कर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे ये नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने तेरे लिए इससे भी अच्छी नौकरी लिखी होगी। I hope so। मैं तो थक गई। तो टेबल पे क्यों रखे, अपने सास के सर पे ही रख दे। तो क्या हो गया बा? वी, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे? वो मैं मीटिंग में थी ना, इसलिए पिक नहीं कर पाई। बोलो काव्या, तुम कुछ भूल रही हो। कुछ भूल रही हूँ क्या? ओ हाँ याद आया, तुम्हारे फोन का बिल ना, वो मैंने भर दिया है। मेरा जॉब इंटरव्यू था काव्या, एंड थैंक यू फॉर नॉट आस्किंग बिकॉज़ इट वाज टेरिबल। तो वी उसका गुस्सा मुझ पर उतारोगे क्या? तुम्हें जॉब नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है वी? ना ना, तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन फोन करके पूछ तो सकती थी ना तुम। I was busy यार। सिर्फ एक तुम ही तो बिजी हो यहाँ पे, बाकी तो सब नाकारे बैठे हैं। प्लीज प्लीज वी, डोंट स्टार्ट नाउ। फाइन फाइन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बनाओ मेरे लिए जाके। नो 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 वी प्लीज, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं अभी किचन में जाके चाय बनाने के लिए। या तो थोड़ी देर रुक जाओ या तो खुद बना लो प्लीज। वर्रा तू मेरी चाय पी ले, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। तुम मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती? मैं बना सकती हूँ वी, लेकिन अभी नहीं। मेरे सर में दर्द हो रहा है काव्या। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है वी, ऑफिस की चिक चिक, ढोलकिया के टॉन्ट्स, तुम्हारी बहू के टैंट्रम्स, ये सब झेल के आ रही हूँ मैं अभी ऑफिस से। मुझे 2 मिनट शांति से बैठने दो प्लीज। अनुपमा भी अभी स्कूल से थक के आई है, पर उसने आते ही बापूजी के लिए चाय बना दी। मैं अनुपमा नहीं हूँ, ना ही बन सकती हूँ, ना ही बनना चाहती। एंड रिमेम्बर, तुमने मुझसे इसीलिए प्यार किया था बिकॉज मैं अनुपमा से अलग हूँ। मनराज, तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें अपने कमरे में जाकर किया करो, यहाँ सबके सामने नहीं। अनुपमा के बारे में बात हो रही है तो अनुपमा के सामने ही होगी ना। बापूजी से स्टोन में बात मत करना काव्या। तुम भी मुझसे स्टोन में बात मत करना भी। तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? एक तो तुम बात नहीं मानती, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। तुम मुझे अपनी एक्स वाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो, बदले में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बस कीजिए, बस भी कीजिए, फिर कहेंगे कि तुम्हें कोई हक नहीं है, बीच में मत बोला करो। लेकिन आप दोनों बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। बाप बापूजी के सामने इस तरह से लड़ना शोभा देता है क्या? ये सारा कलेश एक चाय की वजह से हुआ है, बेटर होगा कि हम मेड रख लें। आई नो कि तुम मना कर दोगी, कहोगी कि तुम जॉब और घर के काम दोनों मैनेज कर सकती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है। एवरी डे इज नॉट द सेम, कभी गेस्ट आ जाएंगे, कभी ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ेगा, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तुम शायद अपने बारे में बात कर रही हो, क्योंकि अगर मैनेज करना इतना डिफिकल्ट होता तो
अनुपमा इतने टाइम से कैसे मैनेज कर रही है? बिकॉज तभी झिलमिल भी थी। झिलमिल कोई उम्र कैद की सजा काटने नहीं गई है, गाँव गई है, थोड़े दिन में आ जाएगी। गॉड नोस कब आएगी बा। छोटे छोटे हजार काम होते हैं घर में, एक मेड आ जाएगी ना तो सबकी लाइफ इजी हो जाएगी। बिल्कुल सही, मैं भी किंजल को यही समझा रही थी कि घर में सभी वर्किंग वुमेन हैं, तो सर्वेंट रखने में क्या प्रॉब्लम है। आई मीन आप लोगों के पीछे बाप बाबूजी और बच्चों का ख्याल रखने के कोई तो चाहिए ना। उसके लिए झिलमिल है राखी बहन, बस कुछ ही दिनों की बात है फिर वो आ जाएगी। तो जब तक वो नहीं आएगी घर में कलेश होगा, काम के लिए तू तू मैं होगी। आई नो आपसे बेटर मेड मिल नहीं सकती। आई मीन आपकी जगह कोई मेड नहीं ले सकती, आप जैसा कोई खाना नहीं बना सकता, आप जैसा बाबा बुजी का कोई ख्याल नहीं रख सकता, पर कुछ तो करेगी हुँ? और जब झिलमिल आएगी तब उसे निकाल देना, सिंपल। किंजल काव्या तुम दोनों देख लो कि तुम्हें काम के लिए किसी को रखना है या नहीं। हाँ पर बा और बापूजी और बच्चों का ध्यान मैं ही रखूंगी। और जब आप स्कूल में होंगी तब, डांस क्लास में होंगी तब तो सारा काम मेरी बेटी को करना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी सारी जिंदगी किचन में गुजार दे। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी किंजल रसोई में काम करती रहे, इसलिए मैंने कभी भी उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही आगे करूंगी। पर किंजल और तोसु एक दूसरे का ध्यान तो रख ही सकते हैं। और रही बात बा बापू जी की, समर और स्वीटी की, तो उनके लिए मैं हूँ ना। बाकी किंजल और काव्या जो ठीक समझे। तो मेरा डिसीजन फाइनल है। आई नीड अ फुल टाइम मेड जो घर के सारे काम करेगी। मैं कल ही मेड को बुला रही हूँ। ठीक है भी? अब मेरा ये काम रह गया कि मैं मेड्स के बारे में डिस्कशन करूं। अगर हमें मेड रखनी है तो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा ना। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अनुपमा की तरह तीन टाइम का खाना बनाऊंगी और जॉब भी करूंगी। मुझसे नहीं होगा भी, मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होगा। कल से मेड आ जाएगी ना तो तुम्हारे लिए भी काफी आराम हो जाएगा। इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है। अभी अभी बीमारी से उठी हो, टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल। तो फाइनल कल से सारा काम मेड करेगी। और अगर आप लोगों को सैलरी देने में प्रॉब्लम है तो उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी इस घर में काम नहीं करेगी। इनफ मॉम। बस हो गया, काव्या को मेड रखनी है रखे, आई डोंट केयर। मुझे और मम्मी को मेड की जरूरत नहीं है मॉम। हम पहले जैसे मैनेज करते थे आगे भी कर लेंगे। तुम लोगों को काम करने का शौक है ना तो करो, मुझे नहीं है। कल से मेड जरूर आएगी, फिर चाहे वो सिर्फ बी और मेरा काम करने क्यों ना आए। कल तक का टाइम है, सोच लो मर मर के काम करना है या आराम करना है। काम वाली से काम करवाना भी बहुत बड़ा काम है काव्या, बल्कि वो तो सबसे मुश्किल काम होता है। पहले उसे बताना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। ऊपर से वो काम वाली बाई के हजार नखरे होते हैं, ना उसे डांटा जा सकता है, नहीं तो काम छोड़ देती है। और उसे जैसा भी कच्चा पक्का जो आए हमारे माथे मारेगी, वो हमें खाना पड़ेगा। आप शायद झिलमिल टाइप की मेड्स के बारे में बात कर रही हैं। मैं एक प्रोफेशनल हेल्पर को बुलाऊंगी जो ऑलरेडी ट्रेंड होगी। पर उसे भी इस घर के तौर तरीके नहीं पता होंगे ना, इस घर के लोगों की पसंद नापसंद नहीं पता होगी। किसे कितनी चीनी चाहिए, किसे तेल कम चाहिए, कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, क्या चीज कहाँ पर पड़ी हो, ये सब तो नहीं पता होगा ना। उसे भी आटा दाल सब्जी रोटी में नमक कितना पड़ता है, मिर्ची कितनी पड़ती है, हल्दी कितना डालते हैं, कौन सा मसाला डालते हैं, ये सब बताना होगा। एक एक चीज करके उसे सब समझाना पड़ेगा। वो अपने आप काम नहीं करने वाली काव्या, उसे काम करवाना होगा, सर पे खड़े होके काम करवाना होगा। और ये भी अपने आप में कोई कम काम नहीं है। थैंक्स फॉर योर ज्ञान की मोती। मुझे काम करने भले ही ना आता मगर काम करवाना अच्छी तरह से आता है। तुम यहाँ एक की बात कर रही हो ना, ऑफिस में मैं ऐसे 25 लोगों को लीड करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, जितनी अच्छी तरह से तुम अपना ऑफिस चलाती हो बस उसी तरह से तुम अपनी गृहस्थी भी चलाना। ऑफ कोर्स आई विल। और अच्छी बहू बनने के लिए एक अच्छा कुक होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है।
इट्स डन बाय।